इस वक्त बाबरी मस्जिद शहादत को लेकर बड़ी खबर मिल रही है कि बाबरी मस्जिद शहादत केस में अब फैसला सुनाने का वक्त आ चुका है। और जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद शहादत केस में वर्डिक्ट आएगा, यानी फैसला आएगा। तो बड़ी खबर मिल पा रही है और कहा यह भी गया है कि जो अहम मुल्जिम है इस केस के, एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, इन तमाम से कहा गया है कि वो अदालत में हाजिर रहे। 30 सितंबर बड़ा दिन, बड़ी तारीख और बड़ा फैसला आ सकता है। बाबरी मस्जिद शहादत केस में इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि 30 सितंबर को फैसला आएगा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले में क्या, जिन पर इल्जाम है, चाहे वो एलके अडवाणी हो, एमएम जोशी हो, कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, क्या इन पर इल्जाम साबित होता है या नहीं। इल्जाम साबित होता है तो फिर उसके बाद सजा के क्या तजावीज होंगी, सजा को लेकर क्या कुछ फैसले होंगे, इन तमाम चीजों पर नजर होगी। लेकिन बड़ी खबर मिल रही है कि बाबरी मस्जिद शहादत केस में फैसले की तारीख तय कर दी गई है। 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद शहादत केस में फैसला आएगा। एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, ये तमाम के तमाम बाबरी मस्जिद शहादत केस में मुल्जिम के बतौर हाजिर हुए थे और अपना बयान उन्होंने दर्ज कराया था। और अब खबर मिल रही है कि 30 सितंबर को फैसला आ जाएगा।